बच्चा जिसका नाम अयान सिंह है, मैं उसका पिता आलोक कुमार सिंह हूँ। मेरे बच्चे को जो बीमारी है वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA टाइप 1 नामक बीमारी है। ये 2 महीने तक जन्म के बाद से ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल था। 2 महीने के बाद इसका हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट कम होने लगा, फिर दिन पर दिन कम होने लगा। धीरे धीरे प्रतिदिन इसका जो है डिक्रीज हो रहा था, बैक हो रहा था इसका सारा चीज़। हम लोग पटना में दिखाएं, बाल चिकित्सक को दिखाएं, उन्होंने सलाह दिया कि MRI करवा के देखिए। MRI हम लोग ने करवाया तो MRI में इसको कुछ गड़बड़ी पाया गया, तो बोले कि ये न्यूरो का मामला है, आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। तो पटना के डॉक्टर गुंजन कुमार हैं जो पटना एम्स के HOD रह चुके हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनको दिखाया गया। वो बोले कि यहाँ समय व्यर्थ मत करिए, आप जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आप बेंगलोर ले जाइए, इसको निमहांस में ले जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु। वहाँ हम लोग ले गए तो वहाँ पे इसका बहुत सारा टेस्ट हुआ, सारा टेस्ट इसका सही आ रहा था, मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि लास्ट में इसका टेस्ट हुआ जो जेनेटिक टेस्ट जिसको बोला जाता है SMA का। SMA के जब टेस्ट हुआ तो उसको रिपोर्ट आने में 1 महीना लग गया। हम लोग रिपोर्ट का इंतज़ार सिर्फ 1 महीना किए। हम लोग पटना आ गए बेंगलोर से, वैसे तो हम लोग पटना और बेंगलोर लगभग 8 महीना से कर रहे हैं, आना जाना लगा हुआ था। तुम लोग पटना आ गए, फिर 1 महीने के बाद जब रिपोर्ट आया तो उसमें SMA टाइप 1 नामक बीमारी को पाया गया, इसको ये डिजीज़ है। फिर उस दिन के बाद से हम लोग का जो है लाइफ, जो है जीवन है, बिल्कुल बदल सा गया। क्योंकि हम लोग जब सुने कि इसका इलाज जो है भारत में नहीं है, इसका इलाज अमेरिका में है, तो हम लोग सोचे कि चलो अमेरिका में है तो अमेरिका भी जाने में हम लोग जा सकते हैं। फिर वो डॉक्टर बोले कि नहीं, अमेरिका जाने से नहीं होगा, वो इंजेक्शन यहाँ मंगाना पड़ेगा भारत में, और वो उस इंजेक्शन का कीमत है 16 करोड़। उस इंजेक्शन से आपका बच्चा जो है, जो इसका डिजीज़ जो बढ़ते जा रहा है, वो रुक जाएगा और रिकवर करके फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, जैसे और बच्चे चलते फिरते दौड़ते हैं, वो सब इसका ठीक होने लगेगा और नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोग जब सुने कि 16 करोड़ उसका दाम है तो हम लोग हताश हो गए, निराश हो गए कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, 16 करोड़ कहाँ से व्यवस्था करेंगे, हम लोग के लिए तो असंभव है। तो हम लोग आशा छोड़ दिए थे, भगवान के ऊपर छोड़ दिए थे। फिर अयांश जो मेरा बच्चा है, इसकी माँ ने कहा कि क्राउड फंडिंग वगैरह होता है, कुछ बच्चों का हुआ है सेम बीमारी, गुजरात के एक बच्ची को हुआ था और हैदराबाद के एक बच्चे को हुआ था, तो उसका क्राउड फंडिंग वहाँ की जनता ने किया था, वहाँ के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, सरकार ने सहयोग दिया और 16 करोड़ की राशि वो लोग इकट्ठा कर पाएँ और इंजेक्शन को मंगा कर उसको दिलवा दिए हैं, और दोनों बच्चे भी ठीक हैं और विकास कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वो नॉर्मल हो रहे हैं। तो हम लोग भी इस चीज़ में लगे हुए हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग के सहारे हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि 16 करोड़ हो जाए और बच्चे को इंजेक्शन लग जाए। और अभी तक हम लोगों का अभियान सही चल रहा है, अभी हर तरह के, हर तबके के लोग, यहाँ तक कि लेबर क्लास के, मजदूर क्लास, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो जो चलाते हैं और सिपाही हैं, जवान हैं, उसके ऊपर इंजीनियर हैं, हर तरह के लोग, मतलब बड़े लोग भी और छोटे से छोटे लोग भी, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पे सामान बेचने वाले, हर तरह के लोग सहयोग दे रहे हैं। इस तरह से मेरा विश्वास अब हो रहा है, बढ़ते जा रहा है कि हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और सऊदीया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से जो भारत बिहार के लोग रहते हैं, वहाँ से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अयांश सिंह मेरे बच्चे का नाम है, कन्फ्यूज नहीं करिएगा, अयांश गुप्ता का टीका इंजेक्शन लग चुका है, वो हैदराबाद के थे, हमारा बच्चा बिहार का है, इसका नाम अयान सिंह है, अभी इसका मात्र उम्र 10 महीने का है और इसको इंजेक्शन अभी लगवाना है। तो अभियान हम लोग का ठीक चल रहा है, मगर जब तक सरकार नहीं सहायता करेगी, सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक बहुत मुश्किल होगा हम लोगों को। क्योंकि जनता तो सहयोग कर रही है, हर तरह के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि जब तक सरकार इसमें आगे नहीं आएगी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार
और भारत के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे बच्चे को बचाने के लिए आप लोग कुछ करिए। जी हाँ, यही मेरा प्रार्थना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग बिहार के नागरिक हैं, कृपया हमारे बच्चे को बचाइए। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, भारत सरकार, इन लोग से प्रार्थना है, विनती है कि बच्चे को आप बचाने में सहयोग करिए। जितना आप लोग अगर चाह जाएंगे तो बच्चा बच जाएगा। तो सरकार से प्रार्थना है, जनता सहयोग कर रही है मगर अभी नाकाफ़ी है। जनता पूरा दिल से लगी हुई है मगर जब तक आप लोग नहीं, सरकार नहीं इसमें आगे आएगी और बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगी, तब तक मुझे मुश्किल लग रहा है। मेरा नाम है आलोक कुमार सिंह, मैं पटना रूपसपुर बिहार का निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम नेहा सिंह है, मेरे बच्चे का नाम अयान सिंह है। बैंक में अकाउंट बच्चे का खुलवा दिया गया है, बच्चे के नाम से ही खुलवा दिया गया है, आप इसको आप देख भी सकते हैं। अयान सिंह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच रुकनपुरा पटना में खुलवा दिया गया है। आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर लिखा हुआ है 5121176175 और IFSC कोड है CBIN 02823384। इस बच्चे के खाते में आप बच्चे का जीवन बचाने के लिए आप दान डोनेशन दे सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर 9431089721 पे, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक हो आप लोग आगे आइए और अयान सिंह को बचाने के लिए प्रयास करिए। ABP News आपको रखे आगे।